हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम हक्का नूडल्स बनाएंगे, तो अगर आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए फूड रेसिपीज वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 100 ग्राम नूडल्स, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून गार्लिक चिली पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1 कैप्सिकम, 1 कैरेट, 1/2 कप कैबेज, 1/2 कप स्प्रिंग ऑनियंस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए 2 ग्लास पानी लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। जब पानी बॉईल हो जाए तब इसमें 100 ग्राम नूडल्स डालेंगे। नूडल्स बॉईल हो जाने के बाद एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक चिली पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे और इसे 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें 1 कैप्सिकम, 1 कैरेट और 1/2 कप कैबेज लेंगे और इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़े स्प्रिंग ऑनियंस डालेंगे और बाकी के स्प्रिंग ऑनियंस हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। अब 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। अब इसे बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड करेंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। अब इसे हम स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, हक्का नूडल्स रेडी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।